विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय पवित्र वर्षावास के अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम पिछले 5-6 महीने से दे रहे हैं। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं, जिस मूल पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है। तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद मानव के कल्याण के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए जो सद्धम्म जीवन भर सिखाया, उसे भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने त्रिपिटक के रूप में संग्रहित करके रखा है। उन्हीं पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से ये मूल धम्म देशना के आधार पर ये हम विशेष धम्म देशना देते हैं। आज हम मध्यम निकाय पाली, इसके एक विशेष सूत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर, उस पर चिंतन मनन करके, उस रास्ते से चलकर अपना परम उद्धार करे, अपने मंगलमय मनुष्य जीवन को सार्थक करे, यही भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने ये धम्म देशना दी है। आज हम मध्यम निकाय के एक सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। मध्यम निकाय में एक सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र। मैं ओरिजिनली पढ़ूंगा जो मध्यम निकाय ग्रंथ में मूल सूत्र है, इसका नाम है मूल पर्याय सूत्र। एवं में सुतं एकं समयं भगवा उक्कठाय विहरति सुभग वने सार राज मुले तत्र को भगवा भिक्षु आमंतेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवा एत दवोच सब धम्म मूल पर्यायं वो भिक्खवे देशे सामी तं सुनाथ साधुकं मनसि करोथ भाषि सामी एवं भन्ते तिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवा एत दवोच। तो एक समय तथागत भगवान बुद्ध उत्कट नगर के सुभग वन में, जहां साल राज वृक्ष था, उस साल राज वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे और वहां पर उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया और सभी भिक्षु बुद्ध के बुलाने पर इकट्ठे आ गए और इकट्ठे बैठकर तथागत बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें सभी धर्म का मूल क्या होता है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा।
आप सुनिए और उस पर उन्हें जानिए समझिए, ऐसा कहकर बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया। और भिक्षु संघ वहां पर बुद्ध के पास जाकर बैठ गया, और बैठने पर तथागत बुद्ध ने उनको बताना शुरू किया। इस सूत्र में आता है, इद भिक्खवे अस्सु तवा पुथु जनो अरियानं अदस्सावि अरिय धम्मस्य अकोविदो अरिय धम्मे अविनितो सपुरी सानंग अदस्सावि सपुरी सधम्मस्य अकोविदो पथवितो संजानाति पथविंग पथवितो संयत्वा पथविंग मन्यति पथविया मन्यति पथवितो मन्यति पथविंग मेति मन्यति पथविंग अभिनंदति तंकि सहेतु अपरियातं तस्साहि वदामि। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो भिक्षु, कोई व्यक्ति सद्धम्म को ठीक से नहीं जानता, उन्हें ठीक से नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण, और उसका शुष्क विस्तृत ज्ञान नहीं होने के कारण, वो जब पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी को देखकर कहता है कि ये पृथ्वी ऐसे ही है। वो पृथ्वी को देखकर पृथ्वी को मानता है, नंबर एक वो पृथ्वी को मानता है कि पृथ्वी ऐसे है। नंबर दो, इसमें मानता है, यानी पृथ्वी में वो मानता है, नंबर दो। नंबर तीन, पृथ्वी से मानता है कि मैं जो कुछ हूं जो है वो पृथ्वी से है, पृथ्वी से मानता है। और नंबर चार, ये मेरी है ऐसा वो मानता है। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के संयता, संज्ञा, परसेप्शन, मान्यता पृथ्वी के बारे में उसके मन में हो जाती है। ये पृथ्वी ऐसी है, ये पृथ्वी से ही है, पृथ्वी में ही है, पृथ्वी से ही मैं हूं, इस प्रकार वो उसे मानने लगता है, क्योंकि वो उसे नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण। उसी प्रकार आपो आप तो संजानाति, आपंग आप तो संयत्वा आपंग मयति आपस्मिंग मयति, आप यानी जल, पानी कहते हैं जिसे, वो जब पानी को देखता है तो पानी को ही कहता है कि मैं पानी में हूं, मैं पानी से हूं, पानी ही मेरा है, इस प्रकार का वो मानने लग जाता है। इसी प्रकार वो तेज, तेजं तेजसो तेजतो संजानाति, तेजं तेजतो संयत्वा तेजं मयेति तेजस्मिं मयेति तेजतो मयेति तेजं मेति तेजं अभिनंदति। तो वो तेज यानी अग्नि धातु, वो अग्नि धातु को जब देखता है तो समझता है कि अग्नि धातु से मैं हूं, अग्नि धातु में ही मैं हूं, अग्नि धातु मेरी है, मैं ही अग्नि धातु में हूं। इस प्रकार ये धातुओं के बारे में कि जैसे शरीर हमारा ये चार महाभूतों से बना हुआ है, इन चार महाभूतों को वो जैसे देखता है वैसे वो मानता है। उसके सूक्ष्मता में न जाने के कारण वो उसे मैं मानता है, मेरा मानता है, उसमें मानता है, उससे मानता है, उसका अभिनंदन करता है, उसे मेरी मानता है, मेरा मानता है, इस प्रकार से वो इसे ये धातुओं को वो मानने लगता है। ये चार महाधातु उसी प्रकार भूते भूतत्व यानी प्राणी को भी जब देखता है उसके बारे में भी ऐसा ही वो मानता है। उसी प्रकार प्रजापति, प्रजापति तो संजानाति, ब्रह्मं ब्रह्म तो संजानाति, ब्रह्मं ब्रह्म तो संयत्वा
ब्रह्मं मन्यते इति संजानाति, आभस्सरे आभस्सरोति संजानाति। यानी ये जो इस लोक के अलावा भी दूसरे लोक होते हैं तो उन्हें भी वो उसी प्रकार मानता है कि जैसे प्राणियों का लोक है, देवताओं का लोक है, ब्रह्म लोक है, आभस्सर ब्रह्म का लोक है, उसी प्रकार शुभ किन्न ब्रह्म का लोक है। तो शुभ किन्न ब्रह्म लोक को भी वो मानता है, वेह फल ब्रह्म का लोक है उसे भी वो मानता है। अभिभू अभिभुक्तो संजानाति, अभिभू ऐसा भी लोक है उसे भी वो वैसा ही मानता है। फिर आकाशानंचा ये तनं, आकाशानंचा ये तनो संजानाति, आकाश के बारे में वो मानता है कि ऐसा आकाश है, मैं आकाश में हूँ, आकाश को मेरा मानता है, मैं मानता है, उससे हूँ मैं, उसमें हूँ मैं, इस प्रकार का वो मानने लगता है आकाश के बारे में। वैसा ही ये बहुत लंबा सूत्र है, मैं शॉर्ट में उसके पॉइंट बता रहा हूँ उसके बारे में। उसके बाद वो विज्ञान के बारे में, विज्ञानंचायतनं विज्ञानंचायतनो संजानाति, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, ये जो चेतना, तो चेतना को भी कहता है कि चेतना मेरी है, मैं चेतना से हूँ, चेतना मुझ में है, मैं चेतना में हूँ, चेतना मैं हूँ और चेतना से ही मैं हूँ, इस प्रकार वो चेतना के बारे में, कॉन्शसनेस के बारे में मानने लगता है। उसी प्रकार उसका वो अभिनंदन करता है, वैसे ही विज्ञान के बारे में कि ये विज्ञान मेरा है, मैं हूँ, विज्ञान यानी जानना, समझना, पहचानना, तो उसके बारे में भी वैसे वो मानता है। फिर आकिंचन्या ये तनंग नेव संज्ञाना संज्ञा ये तनंग, तो इस प्रकार वो मानने लगता है और उसके प्रति एक ऐसी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, उसकी मान्यता है, उसका परसेप्शन ऐसे ही बन जाता है। ये इसलिए बन जाता है कि उसकी वास्तविकता को न जानने के कारण। लेकिन जब तथागत बुद्ध या जो भिक्षु अर्हत होते हैं, अर्हत या भिक्षु या उच्च प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान को विश्लेषण पूर्वक उसे जानने वाले लोग जो होते हैं, तो वो इस प्रकार नहीं मानते। वो उसे जानने के बाद उनका मानना एकदम बदल जाता है, क्योंकि वो वास्तविकता को देखकर, वास्तविकता को जानकर, वो उनकी दृष्टि बदलती है, उनकी मान्यता बदलती है। जैसे कि बुद्ध के बारे में देखा जाए तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी पृथ्वियां, ये एक नहीं कई पृथ्वियां हैं, और वो कहते हैं कि पृथ्वी कैसे निर्माण होती है उसको मैं जानता हूं, उसको मैंने देखा है, वो कैसे लंबे लंबे कल्पों तक चलती है उनको मैंने देखा हूं, उसको मैं जानता हूं, उसमें मैं रहा हूं। फिर वो कैसे दीर्घ काल के बाद उसका ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगती है, ज्वालाएं उठती है, जहां वहां अंगार अंगार जलने लगती है और बड़ी ऊंची ऊंची अंगारे जलकर ये ग्रह उपग्रह टकराते हैं और ज्वालाएं होकर वो नष्ट भ्रष्ट भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, वो भी मैंने देखा, वो भी मैं जानता हूं, ऐसे तथागत बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं। और फिर नई पृथ्वी कैसे जन्म लेती है वो भी मैं जानता हूं, वो भी मैंने देखा है, वो भी मैं जानता हूं। वो बहुत लंबा लंबा समय उसे लगता है, कल्प कल्पांतरों की अवस्था उन्हें लगती है। तो इस प्रकार का बहुत दीर्घ लंबा ज्ञान, लंबा अनुभव उन्हें होने के कारण, वो जानने के कारण कि वो
ऐसी दृष्टि नहीं बनाते। तो वो क्या बनाते हैं कि उनकी दृष्टि बनती है, एक तो संजानाति नानत नानतो संजानाति, उनकी दृष्टि बनती है दिठंग दिठतो संजानाति, दिठंग दिठतो संयत्वा दिठंग मयति दिठस्मिंग मयति, सुतंग सुततो संजानाति सुतंग सुततो संयत्वा सुतंग मयति, मुत्तंग मुत्ततो संजानाति वियातंग वियाततो संजानाति, एकत्तम एकत्ततो संजानाति नानत्तो नानत्ततो संजानाति, सब्बं सब्बतो संजानाति निब्बानं निब्बानतो संजानाति। यानी फिर आगे चल के बुद्ध बताते हैं इस सूत्र में कि जब कोई वस्तु वो देखते हैं तो देखते बराबर उनको, मतलब सामान्य लोग पृथक जन वो वस्तु देखते हैं तो उसे वैसा ही मानने लग जाते हैं, मेरी मानते हैं, मैं हूँ मेरी हूँ मैं इसमें हूँ ये मेरी है, ऐसे वस्तु को मानने लग जाते हैं जो भी उनके आंखों से दिखाई देती है। उसी प्रकार जो सुनते हैं उसे भी मैं मेरा ऐसा मानने लग जाते हैं, जो अनुभव करते हैं ज्ञान होता है उसे भी मैं मेरा ऐसा मानने लग जाते हैं। एक का ज्ञान होता है तो एक को मानते हैं, नाना वस्तुओं का ज्ञान होता है तो नाना यानी अनेक वस्तुएं अनेकांगी ढंग से वो मानते हैं, और निब्बान का ज्ञान हुआ तो निब्बान को भी वो मानते हैं या उसका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार जो पृथक जन होते हैं वो उसे मानते हैं, ऐसे उसे वो ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पृथक जन नहीं होते, जो उससे बाहर निकल जाते हैं और जो बड़े शुष्क ढंग से उसका अभ्यास करते हैं, उसे जानते हैं समझते हैं, तो उनकी भावना एकदम अलग हो जाती है। वो वास्तविकता को जानकर उससे बाहर निकलकर उनका चित्त उनका ज्ञान उनका विज्ञान ये वस्तुओं से रूपों से दृश्य रूपों से अदृश्य रूपों से और स्थूल रूपों से सूक्ष्म रूपों से विज्ञान से सभी से उसका ज्ञान ऊपर उठकर वो अलग ढंग से उनका मानना एकदम शुरू हो जाता है। वो वायु को वायु मानते हैं और अग्नि को अग्नि, उसी प्रकार पृथ्वी को पृथ्वी और जल को जल, ऐसा मानते हैं समझते हैं जानते हैं। लेकिन उनकी वास्तविकता जानकर वो उसके प्रति मैं मेरे का भाव नहीं रखते, मैं इससे हूँ इसमें मैं हूँ ये मुझ में है मैं उनमें हूँ, इस प्रकार का भाव उनमें नहीं रखते, तो बड़ी परम मुक्त की अवस्था है। और जब वो अवस्था का साक्षात्कार अभ्यास करते करते अपने इंद्रियों के वास्तविकता को जानते जानते, छह इंद्रियों की वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता, मन की वास्तविकता, इस सभी जो धातुएं हैं ये भौतिक धातुएं, इनकी वास्तविकता को जानकर वो साधक या वो भिक्षु वो साधक उनसे एकदम दूर हो जाता है। और दूर होकर योपी सो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीना सबो उसी तवा कत करणीयो ओहि तभारो अनु अनुपत्त सद्दत्थो परिखीन भव संयोजनो सम्मदंया विमुत्तो सोपि पथविं पथवितो अभिजानाति पथविं पथवितो अभिन्याय पथविं न मन्यति पथविया न मन्यति पथवितो न मन्यति पथविं मेति न मन्यति पथविं नाभिनन्दति तं किस हेतु परियातं तस्साहि वदामि। तो बुद्ध आगे उनको समझाते हैं कि देखो भिक्षुओ, जो व्यक्ति मुक्त होता है इन बंधनों से और अरहत बनता है सारे विकारों से सारे भव बंधनों से, जिसका चित्त विमुक्त हो गया निर्मल हो गया
और जब वो ऐसा विमुक्त चित्त जो आसक्ति से दूर हुआ, भ्रम भ्रांति से दूर हुआ, कल्पनाओं से दूर हुआ, केवल मान्यताओं से दूर हुआ, केवल ऊपरी ऊपरी ढंग से वो मानने की जो प्रक्रिया होती है उसमें नहीं वो रहता, उससे निकल गया, क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता में जाकर उसके वास्तविकता को, उसके मूल में जाकर उसके अनित्य स्वभाव को वो जानता है, उसके परिवर्तनशील स्वभाव को वो जानता है, वो एक जैसी नहीं बनी रहती, क्षण क्षण बदलती रहती है, इसको वो जानता है। ये सारी धातु ही जैसे पृथ्वी धातु, ये भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वो दिखती हमें एक जैसी लेकिन वो कभी एक जैसी नहीं रहती, उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। वायु धातु, ये वायु धातु भी हमें एक जैसी नहीं रहती कभी, वायु धातु भी उसमें परिवर्तन, बदल, चेंजेस होते ही रहता है वायु धातु में। वैसे अग्नि धातु, अग्नि धातु में परिवर्तन होते रहता है। जल धातु, ये जल धातु में यानी पानी, जल, इसमें भी परिवर्तन होते रहता है, बदल होते रहता है, एक जैसा नहीं रहती है अग्नि धातु, वायु धातु, जितनी भी धातु ये इस विश्व मंडल में है, जितने भी लोक इस विश्व मंडल में है, वो सभी परिवर्तनशील है, बदलने वाले है, अनित्य है, अनात्म है, स्थिर नहीं है, ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है। जैसे कि पृथ्वी भी ध्रुव नहीं है, ये भी लंबे 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 समय के बाद इसमें भी परिवर्तन होता है, इसमें भी बदल होता है। जल भी, जिसे हम जल धातु कहते हैं, जल भी हमें जो दिखता है वैसा नहीं, वो भी परिवर्तित होते रहता है, वो भी बदलते रहता है। वायु धातु जो हमें दिखती है, लेकिन वायु धातु का सूक्ष्म सूक्ष्म यदि निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो वायु धातु भी स्थिर नहीं रहती, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। तो ऐसा अर्हत व्यक्ति जिन्होंने सूक्ष्म प्रकार से इसका विश्लेषण किया, जाना, समझा, उसका अनुभव किया, तो ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति इन सभी धातुओं को वो सूक्ष्म ढंग से जानकर उसे मेरा नहीं मानता है, उसे मैं नहीं मानता है, मैं उसमें से हूं, ऐसा वो नहीं मानता है। जैसे कि यहां बताया गया है, पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानता है, इसे जानकर इसको वो नहीं मानता है, इसको न मानता है, फिर इसे जानकर न इसमें, मैं इसमें हूं, ऐसा भी वो नहीं मानता है, या मैं इससे ही हूं, ऐसा भी वो नहीं मानता है, और ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ऐसा भी वो नहीं मानता, ये मैं मेरे से वो निकल जाता है, उसको नित्य मानने से वो निकल जाता है, क्योंकि नित्य है ही नहीं, हर चीज लंबे लंबे काल के बाद भी परिवर्तित होती है, प्रतिक्षण भी परिवर्तित होती है, तो परिवर्तनशीलता, अनित्यता, ये मैं मेरा न होना, ये जो स्वभाव इन सभी धातुओं का जो है, उसे वो जानकर उनसे वो मुक्त होने का उसका चित्त प्रयत्न करता है, उसका चित्त वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसा मुक्त हो जाने के बाद
उनकी धारणा बदल जाती है, उनकी चेतना बदल जाती है कि जिन्होंने सूक्ष्म ढंग से उसका अभ्यास किया, उन्हें पृथक्करण करके, एनालाइज करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, इन धातुओं को जिसने जान लिया, तो वो मैं नहीं कहेगा, मेरी नहीं कहेगा, ये एक जैसी बनी रहती है, रहने वाली है ऐसी, ऐसा भी नहीं कहेगा, उसके प्रति आसक्ति भी नहीं करेगा, तो एकदम उससे वो छूटने का प्रयास करता है, मुक्त होने का प्रयास करता है, उसमें बिहरता है, लेकिन मुक्ति की अवस्था का वो साक्षात्कार करता है। इस प्रकार अपने उस ये ज्ञान की वजह, ज्ञान से, क्योंकि यह ज्ञान का रास्ता है, ये साक्षात्कार का रास्ता है, ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं, कही हुई बात नहीं, लिखी हुई बात नहीं, अब बात तो लिखी जाती है, बात तो कही जाती है, लेकिन बुद्ध ने जो ज्ञान सिखाया वो साक्षात्कार करने का ज्ञान, उसके ऊपर उठकर स्वयं जानने का ज्ञान, स्वयं उसको अनुभव करने का जो ज्ञान होता है, और यह ज्ञान जिस किसी व्यक्ति को होता है, जो कोई अरहत बनता है, जो कोई परम मुक्त निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है, तो ऐसा साक्षात्कार करने के बाद उनकी चित्त वृत्ति, उनका चित्त, उनका जीवन एकदम एकदम वो बदल जाता है, बदल जाता है, और फिर वो ये धातुओं को, धातु के मूल वास्तविकता को जानकर, मूल धातुओं को जानकर, वो केवल दृष्टा मात्र, केवल उसको जानने वाला, और जानकर वो जैसी है वैसे ही स्थित प्रज्ञ ढंग से वो विहार करता है, मुक्ति का आनंद, सदा मुक्ति का आनंद लेता है, जन्म मरण से भी वो मुक्त हो जाता है, केवल कॉन्शियसनेस के अवस्था में उसका वो साक्षात्कार करता है, उसका आनंद लेता है। और इस प्रकार तथागत बुद्ध समझाते हैं कि तथागतो सब्बसो तन्नानं खया विरागा निरोधा चागा पटी निसग्गा अनुत्तरं सम्मा संबुद्धिं अभिसंबुद्धो। तो तथागत बुद्ध ये सारे मान्यताओं से मुक्त होकर उनका वो साक्षात्कार करते हैं, तृष्णा को खत्म कर लेते हैं, कि किसी वस्तु के, वस्तु को मानेंगे तो तृष्णा होगी, और वस्तु को ही नहीं मानेंगे तो तृष्णा खत्म हो जाती है, विराग होता है, निरोध होता है, तो उससे निरोध, जब कोई आसक्ति रही तो वस्तु बनी रहती है, लेकिन आसक्ति ही नहीं रही, उससे निरोध हो गया, निकल गए, तो पूरी तरह उससे छुटकारा हो जाता है, और इस प्रकार वो विमुक्ति का साक्षात्कार, विमुक्ति का जीवन वो जीने लगता है। तथागतो सब्बसो तन्नानं खया विरागा निरोधा चागा पटी निसग्गा अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धोति वदामि। जो कोई तथागत होते हैं, बुद्ध ये नहीं कहते कि तथागत केवल मैं हो गया हूं, बुद्ध केवल मैं बन गया हूं, ऐसा भी वो नहीं कहते, वो कहते कि बुद्ध मेरे पहले भी हुए हैं, आज मैं हूं, और मेरे बाद भी होंगे, ऐसा नहीं कि मेरे बाद बुद्ध नहीं होंगे, मेरे बाद भी बुद्ध होंगे, लेकिन जो कोई व्यक्ति बुद्ध बना, बुद्ध बन गए, तो वो इसी बात को बताएंगे, इसका सूक्ष्म दर्शन करके, सूक्ष्म साक्षात्कार करके, वो नितांत निर्बल विमुक्ति का जीवन जीते हुए इसकी वास्तविकता बताते हैं, उसमें लगाव चिपकाव बनाए नहीं रहते और मुक्ति का साक्षात्कार करते हैं। तो जो भी कोई बुद्ध होगा वो यही बताएगा, जो बुद्ध हुए उन्होंने ऐसा ही बताया, और मेरे बाद भी जो कोई होंगे तो सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण इन धातुओं का करेंगे, और इनका जब साक्षात्कार करेंगे तो वो यही कहेंगे, यही कहेंगे, अभिसंबुद्धो वदामि, कि जिन्होंने उनका
संबोधि का ज्ञान का वास्तविकता का साक्षात्कार कर लिया और वो बुद्ध बन गए, तो यही कहेंगे। इस प्रकार की बात जब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाई, इदमवोच भगवा नते भिक्षु भगवतो भाषितं अभिनंदन्ति। अब यह सूत्र जब तथागत बुद्ध ने बताया तो बहुत सारे सूत्र में आता है कि सुनकर वो अभिनंदन करते हैं बुद्ध के उन बताई हुई बातों का, अभिनंदन करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रमुदित होते हैं। लेकिन यह सूत्र जब तथागत बुद्ध ने वहां बताया भिक्षुओं को, तो भिक्षु ने इसका अभिनंदन नहीं किया। क्यों अभिनंदन नहीं किया? क्योंकि वो ये साक्षात्कार की बात तथागत बुद्ध ने बताई, तो इसीलिए जो भिक्षु थे सुनने वाले, तो वो तो अभिनंदन नहीं किया उन्होंने, केवल सुना, सुनकर प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर कि हमें इस दिशा में भी विशेष जानने की जरूरत है, विशेष गहराई में जाकर उसका परीक्षण निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो तथागत बुद्ध का मार्ग है वो मार्ग तो साक्षात्कार करने का मार्ग है। रियलाइज द रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, रियलाइज द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, सी फेस टू फेस द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स एंड ट्राई टू अवॉइड इन बी वन विथ यूनिवर्स। सो इस प्रकार की जो बात तथागत बुद्ध बताते हैं, तो ये जो बात बुद्ध ने ये सूत्र में बताई, मध्यम निकाय का ये सूत्र है, तो सूत्र में आता है कि भिक्षु ने सुना, बहुत गंभीर विषय था और सुनकर उन्होंने अभिनंदन नहीं किया और बुद्ध को हाथ जोड़कर सब लोगों ने उसको सुना। इस प्रकार से ये सूत्र आता है मध्यम निकाय में। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सद्धम्म के अनंत अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे, आप सबका मंगल हो, यही मंगल मैत्री हम भेजते हैं और यही मंगल कामना है। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।